आइए आज का चैप्टर संस्कृत में थोड़ा सा हम बताते हैं, क्योंकि सीटेट यूपीटेट सभी में संस्कृत जो लोग लेते हैं हिंदी के संग उनके लिए अनिवार्य होगा। तो देखते हैं संस्कृत में ये सम क्री धन कतः, ये क्या है? संस्कृत का विच्छेद है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं संस्कृत मतलब होता है क्या। संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा। इसका अर्थ होता है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा, इसका शुद्ध अर्थ होता है, ठीक है। उसी तरह व्याकरण का देख लीजिए क्या होता है। तो ये देखते हैं व्याकरण का बी धन आर धन क्री धन लटू प्रत्यय, इसका अर्थ होता है शुद्ध अर्थ देख लीजिए शब्द शास्त्र या पद शास्त्र, इसका व्याकरण का ही अर्थ होता है, ठीक। आगे आइए देखते हैं, आइए देखते हैं त्रिमुनि के विषय में। त्रिमुनि संस्कृत में किसे कहते हैं? पहला हम पाणिनि को कहते हैं। आइए संस्कृत में देखते हैं पाणिनि। त्रिमुनि का अर्थ होता है इन तीन मुनियों से, पाणिनि का कात्यायन या बरुरुचि उन्हें कहते हैं और पतंजलि, ठीक है। ये त्रिमुनि है, ये संस्कृत के व्याकरण के त्रिमुनि हैं, इनके त्रिमुनियों के नाम से भी जाना जाता है। और आइए देखते हैं अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी क्यों कहते हैं इसको? इसमें आठ अध्याय हैं। क्या हैं? आठ अध्याय हैं। तो आइए त्रिमुनि तो जानते हैं पाणिनि, दूसरा कात्यायन उसको बरुचि भी कहते हैं और पतंजलि को जानते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि जी हैं, ठीक है। इसमें आठ अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद हैं, अर्थात आठ गुणे चार यानी 32 पाद हैं, ठीक है। लगभग 4000 सूत्र इसमें हैं, लगभग 4000 सूत्र हैं, और इसी नाते पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं महाभाष के रचनाकार महर्षि पतंजलि जी हैं। इन्होंने 4000 सूत्रों पर महाभाष लिखा, इसी कारण इनको महाभाष को भाष्कार भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है महर्षि पतंजलि जी महाभाष लिखे हैं, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, महाभाष में कुल 84 अहनिक हैं। कितने हैं? महाभाष में कुल 84 आयनिक हैं, ठीक। आगे देखते हैं बड़े विचार, आइए देखते हैं बड़े अक्षर। जैसे कि हम बड़े अक्षर, हम अपने मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में एक शब्द है नाक्षरति अक्षर, संस्कृत में है न क्षरति अक्षर, मतलब जिसका क्षरण न हो, जिसका कभी नाश न हो, उसे अक्षर कहते हैं, यानी ध्वन। देखिए अक्षर यही कहे इसको कहते हैं, ठीक। आइए देखते हैं इसको, अर्थात जिनका विनाश न हो अक्षर कहलाता है, ठीक है। न क्षरति अक्षर, ये संस्कृत का वाक्य है। तो आइए देखते हैं आगे, ये संस्कृत में स्वर, स्वर को वच कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वर, मतलब जो स्वयं में राज करता हो, किसी पर मतलब आश्रित न हो, वो स्वर कहलाता है, ठीक है। इसको अच भी संस्कृत में कहते हैं। देखिए स्वर को अच कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वर, मतलब स्वयं में अपना राज करता है, मानो किसी पर आधारित नहीं होता। स्वरों की संख्या नौ होती है, जैसे अ ई उ ऋषि लि ऋ ए औ ए औ, ठीक है। यही आपके अच कहलाते हैं, अच को स्वर कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए संस्कृत में देखते हैं मूल स्वर सिर्फ पाँच है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, ये मूल स्वर पांच हैं अ ई उ ऋषि लि ऋ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं संयुक्त स्वर, पहला इसमें हो गया वो, दूसरा देख लीजिए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों में संख्या इसकी चार हैं, आइए देखते हैं, देखते हैं संयुक्त स्वर में चार हैं, ठीक है। ये देख लीजिए ए ओ ए औ, इसे किससे बना है, कैसे? अ ई से ए बना है, अ उ से ओ बना है, अ से ए से आ बना है, अ ओ से औ बना है, ए बने हैं, ठीक है। ये संयुक्त स्वर हैं, ये मूल स्वर हैं। आइए स्वर के मुख्यतः तीन भेद हैं, आइए पहला देखते हैं हरस स्वर। देखिए हरस स्वर है पहला हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हरस स्वर कहते हैं, अ ई उ ऋषि लि ऋ, ठीक है। आगे देखते हैं हर स्वर तो जान गए, जिस जिन में एक मात्रा का स्वर बोलने में समय लगता है वो हर स्वर कहलाते हैं, अ ई उ ऋषि। और आइए देखते हैं दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ बड़ा, ठीक है, बड़ी ई छोट बड़ा उ बड़ा ओ औ, इसमें दो मात्रा का समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम
ये पल्लुत स्वर देख लीजिए, जिन वर्णों को उच्चारण में दो मात्रा से अधिक का समय लगता हो उसे हम पल्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह थ्री ऐसे बनता है, ठीक है। जैसे ओम त्रयमात्रिक है, जैसे अ थ्री इसको बनाते हैं ऐसे ऐसे इसका चिन्ह है, ऊ का त्रि ऋषि का बड़ा का ऐसे, तो त्रिमात्रिक है। पल्लुत स्वर जिन स्वरों को उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगे वो पल्लुत स्वर कहलाता है। आइए आगे देखते हैं, आइए व्यंजन देखते हैं। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे व्यंजन को महल भी कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, अन्वयगम अन्वयगम भवंति व्यंजनम, मतलब अर्थात जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके। अन्वयगम मतलब होता है कि बिना मतलब स्वतंत्रता के बोले जा सके, मतलब जो बिना किसी सहारा के न बोले जा सके, मतलब उनको सहारा लेना पड़ता है। क्या है, जो स्वतंत्रता रूप से न बोले जा सके वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसे देख लीजिए, क धन अ बराबर क, तो यहाँ आधा कर दिया गया है, इस पर संस्कृत का शब्द होता है। ख धन अ, ख अ में छिपा है ना, ख में अ छिपा है, ख धन अ बराबर ख, ग में अ छिपा है ग धन, देखिए ग धन अ बराबर ग, तो इसी कारण हम इसको बिना अर्थात जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके वह व्यंजन कहलाते हैं। अनवयगम भवंति व्यंजना, मतलब बिना व्यंजन मतलब स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले। आइए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। व्यंजन 33 होते हैं महेश्वर सूत्र में, हयवरट से लेकर के हल तक, ये 10 सूत्र इसमें कहे गए हैं। व्यंजन के प्रकार हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ये 25 वर्ण होते हैं, ये क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, ठीक है, ये प वर्ग तक। अब जैसे क वर्ग में जानते हैं क्या आता है, क वर्ग में आता है जैसे क ख ग घ ङ, च वर्ग में आता है च छ झ ञ, ट वर्ग में आता है ट ठ ढ ण, त वर्ग में आता है त थ ध ध न, प में आता है प फ भ म, यानी इसी तरह से मिला करके हमारा कुल टोटल 25 वर्ण बन जाते हैं। यही हमारा 25 वर्ण है, ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन में कहलाते हैं। कोई क वर्ग कह दे तो क ख ग घ ङ तक चलेगा। इसी तरह आइए देखते हैं दूसरा, तो आइए दूसरा देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, य व र ल, ठीक है, ये नीचे लग जाने से संस्कृत वर्ण कहलाता है, ठीक है, हलंत लग जाने से, ये भी चार होते हैं, इसे अर्थ स्वर भी कहा जाता है। आगे आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन तो आप देखे ही हैं, जैसे इसमें चार होता है य व र ल, ठीक है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। और उसमें व्यंजन देख लीजिए, स स स ह, ये मिश्रित व्यंजन भी इसको कहते हैं। छ कैसे बना है, क और स मिल करके छ बना है, त्र कैसे बना है, त और र मिलकर बना है, अज्ञा कैसे बना है, ज और य मिलकर के बना है, इसी तरह इसको उसमें व्यंजन भी कहते हैं और मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए, तो आइए देखते हैं अयोगवा। अयोगवा चार संस्कृत में होते हैं, किस में, संस्कृत में, ये संस्कृत में आपको कितने मिलते हैं, आपको संस्कृत में चार मिलते हैं, ठीक है, अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य और उपपदनिया, ये चार होते हैं, ठीक। अनुस्वार में अंग से जो नासिका नाम वर्ण है ये है अनुस्वार, विसर्ग अकु विसर्जनिया नाम कंठ, अह से होता है, जिह्वा मूल्य ये जो ऐसे दिया रहता है क और फ पे, ये जिह्वा मूल्य है, उपपदनिया नाम ओष्ठव जैसे प फ में ऐसे होता है, ठीक है, अयोगवा चार होते हैं। आइए संस्कृत में महेश्वर सूत्र के बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं हम। आइए महेश्वर सूत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं जो पाणिनि ने लिखा है। देखिए पढ़िए हमारे संग, अ ई उड़ ऋषि लिरी क ए औ अंग ए औ च है व रट है व रट लड़ इमंगल नम झविय घड़ धस जब गढ़ धस खप छठत चटतव कपय सस सर हल, ठीक है। तो याद नहीं होता है तो हम एक नाटकीय सूत्र में इसको बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कैसे क्या याद करना है। अ ई उड़ ऋषि लिरी क ए औ अंग ए औ च है व रट लड़ इमंगल नम झभिय गढ़ दस जब गढ़ दस खप छठत चटतव कपय सस सर हल। ऐसे आप जब नाटकीय रूप में याद करेंगे तभी याद होगा, नहीं तो ऐसे तो भूल जाएंगे।
जैसे अ ई उड़ ऋषिलि क ए औ अंग ए औ च है वरट लड़ इमंगल नम झविया गड़ दस जब गड़ दस खप छठत चटताओ कप यह सस सर हल खप छठत चटताओ कप यह सस सर हल। जैसे डांस नहीं सीखते हैं आदमी, उसी तरह से ये जान लीजिए सारे गामा गा रहे हैं आप। अ ई उड़ ऋषिलि क ए औ अंग ए औ च है वरट लड़ इमंगल नम झविया गड़ दस जब गड़ दस खप छटत चटताओ कप यह सस सर हल। ऐसे याद कीजिएगा तब याद हो जाएगा। आइए महिषासुर को किन किन नामों से जाना जाता है इसके विषय में आपको चर्चा करते हैं। आइए महिषासुर को किन किन नामों से जाना जाता है उसको बता दें। पहला शिव सूत्र, दूसरा उपदेश सूत्र, तीसरा प्रत्याहार सूत्र, तो चौथा चतुर्थ दशा सूत्र, आदि सूत्र पाँचवा, छठवा मुग्ध सूत्र, छठवा वर्ण समन्वक सूत्र, वर्ण संपन्न सूत्र, और आठवां महेश्वर सूत्र, और पाणिनि सूत्र नवा। ठीक है, इसी तरह से अनेक सूत्रों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक, तो हम आगे और बता रहे हैं आपको कैसे और देखते हैं प्रत्याहार क्या होते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए हम प्रत्याहार बनाना सिखाते हैं आपको। संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है, यानी 42 होता है। तो आइए देखते हैं, कहे कोई कि अड़ प्रत्याहार कैसे बनता है। ये अड़ प्रत्याहार कैसे बना है, यानी पहला अ और दूसरा ए अंतिम वाला, ठीक है, इसको अण प्रत्याहार कहते हैं। ठीक, इसकी संख्या आपकी क्या है, 1 है। ठीक, ए प्रत्याहार जो अंतिम में लगाए गए हैं ड से प्रत्याहार बनाया गया है। ठीक है, इसमें 42 प्रत्याहार हैं। ठीक है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 है। ये आपको ऐसे प्रत्याहार इसके बनाए जाएंगे, आइए दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको अड़ प्रत्याहार के विषय में जान गए। अब जानिए अक कैसे बना है, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार देख लीजिए कैसे बना है। ये अ और ये अंतिम वाला क, ठीक है, यहाँ अ लिख गया है। ठीक है, एक क, ये अक प्रत्याहार बना है। ऐसे आप सभी प्रत्याहार बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए कैसा बना है, इक प्रत्याहार कैसे बना है। इसको प्रत्याहार बनाना सीख लीजिए। इक, यहाँ ई और क, यहाँ इसको मिटा लीजिए। यहाँ से ई और क, इक प्रत्याहार। ठीक है, ई और क, इक प्रत्याहार बना है। क्या बना है, यहाँ से ई और क, इक प्रत्याहार ऐसे बना है। ठीक है, कोई कहे उक प्रत्याहार कैसे बना है, तो उक क्या है, ऊ और क, यानी ऊ और क, यहाँ ए ऊ वाला मिलकर बना है। ठीक है, इसको मिटा लीजिए एक बार और देख लीजिए। उक प्रत्याहार ऊ और क मिलकर बना है। ठीक है, उक प्रत्याहार। ठीक, ऐसे बना है। तो आप सभी प्रत्याहार ऐसे बना सकते हैं, 42 प्रत्याहार बनेंगे। ठीक है, कोई अगर कहे, मान लीजिए इसमें से देख लीजिए, कोई कहे अण प्रत्याहार कैसे बना है, इसको देख लीजिए। अभी आप प्रत्याहार बनाए, यह अ और ळ कहाँ है, देख लीजिए अण प्रत्याहार, यहाँ देखिए ये ना अण प्रत्याहार, तो आप पहले ही बनाए हैं ना, ए और अण में अण प्रत्याहार ऐसे बना है। ठीक, अब और देखिए, कोई कहे अच प्रत्याहार कैसे बना है, यानी अच, यहाँ इसको मिटाइए थोड़ा सा, ये देख लीजिए अच प्रत्याहार का, यहाँ अ से मिला करके और च प्रत्याहार यहाँ मिला है, अच प्रत्याहार, अ और च, यहाँ अच प्रत्याहार बना है। ठीक है, कोई कहे अट प्रत्याहार कैसे बना है, ये देख लीजिए अ से ट तक के। ठीक है, ये अट प्रत्याहार हो गया, क्या हो गया, अट प्रत्याहार, प्रत्याहार ऐसे बना है। ठीक, इसी तरह बनेगा सब। कोई कहे अण प्रत्याहार कैसे, अड़ यहाँ यहाँ ऐसे मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 है। ठीक है, 42 है, इसी तरह से 42 प्रत्याहार बनेंगे। अब आप कह रहे हैं कि कोई कहे अल्प, यहाँ हल, हल क्या है, हल आपको व्यंजन का अंतिम जो प्रत्याहार बना है वो हल को, हल को क्या कहते हैं आप, अज को स्वर कहते हैं, हल को व्यंजन कहते हैं। इसी तरह है, सभी प्रत्याहार बनेंगे। ठीक, आगे आप समझ लीजिएगा ऐसे पूरे। अगर महेश्वर सूत्र नहीं याद है तो मान के चलिए काफ़ी नंबर कट जाएंगे। महेश्वर सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, संस्कृत जो जो लिए हैं। उसके बाद यूपी टेट में तो ज़्यादा पूछता है, लेकिन सी टेट में इसके कुछ नियम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, कितने महेश्वर सूत्र हैं, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा। ठीक है।